the man of words with the iron will. So let's welcome him with a great sound of applause. 10 minutes. ये आज के दूसरे दूल्हे राजा हैं तो अपनी रेफरेंस लिस्ट तैयार रखिएगा मैडम की ट्रेनिंग थी सो वी वर नॉट आस्किंग फॉर रेफरेंसेस हेलो फ्रेंड्स मैं विकास करना का दोस्त प्रगति क्लब के अंदर मैं एक साल हो गया मुझे यहाँ पे साथ में अटैच हुए इट्स ऑलमोस्ट बीन अ ईयर मैं यहाँ पे आने के बाद से सारे के सारे मेंबर्स अलग अलग जो हमारे मेरे साथ में जुड़े हैं मैंने बहुत यहाँ पे मुझे रेफरेंसेस मिले हैं मैंने टीयर फोर तक के बिजनेसेस यहाँ पे सर्व किए हैं एंड आज भी उनके साथ में कंटिन्यूएशन के अंदर मेरे बिजनेस चल रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम एक दूसरे के सन्ने का जैसे पूरक बन सकते हैं हम तो येस हम यहाँ पे एक दूसरे के पूरक बन के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और वो मैंने देखा है उस चीज़ के अंदर इसके अलावा मैं अपने बताऊंगा साइन इंश्योरेंस सॉल्यूशंस ये मेरी फर्म का नाम है जो मैंने 2008 के अंदर मैंने सेटअप की थी मैं डील करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स ऑल कंपनीज एनी कंपनीज यू वांट टू डील इन आई डील विद इट इसके आज मेरी जो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे दैट इज ऑन जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं ठीक है वो मेरी आगे की स्लाइड्स के अंदर है लेकिन इनिशियली अगर आपको बताऊँ तो कार इंश्योरेंस हमारी ट्रेवल इंश्योरेंस हमारा मेडिक्लेम ये फायर इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस ये सारी की सारी चीजें हमारी जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर होती हैं इसके अंदर हम लोग जो जो चीजें कवर करते हैं ये पहले तो कि हमारी जनरल इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों होनी चाहिए हमारे पास में जनरल इंश्योरेंस की नीड क्या है अश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी सेफ्टी है उसके अंदर आज हम गाड़ी में जा रहे हैं आज हम लोग रोड पे चल रहे हैं मेडिक्लेम्स हैं हमारे पास में कार इंश्योरेंस है हमारे पास में तो हमें अपनी सेफ्टी फील होती है उसके अंदर ऑफर पीस ऑफ माइंड आज मेरी गाड़ी चोरी हो गई या फिर आज घर किसी का एक्सीडेंट हो गया है उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है तो वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड हो रही है कैशलेस कवर्ड हो रही है तो ये पीस ऑफ माइंड है मेरे साथ में परचेज डिपेंडेंसी आज के टाइम पे हमने देखा होगा अगर एक इंसान अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाए तो वहां पे कितना खर्चा आता है किस तरीके से वहां पे खर्चा पड़ता है ये हम सब जानते हैं और उसके अंदर होता ही है कि उस खर्चे के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि जितनी भी सेविंग्स कहीं पर इंसान ने अपनी कर रखी होती है नॉर्मली वो यही सोच के करता है कि मैं कल को शादी में यूज करूंगा घर बनाने में यूज करूंगा और हेल्थ के लिए जो वो बजट अपना रखता है वो हमेशा उस तरीके से नहीं रखता है कि आगे चल के क्या होना है या क्या नहीं होना है तो बेनिफिट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में यही है पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स सेल्फ डिपेंडेंसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस को नेक्स्ट प्लीज इसके बाद में ये टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ मोटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस ये चारों के चारों हमारे इसमें आते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं बट दीज आर दी मेजर थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर ही जनरल इंश्योरेंस नाउ कार इंश्योरेंस के बारे में हम सब जानते हैं हमें सबको मालूम है कि कार इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों होनी चाहिए और कार इंश्योरेंस हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल है बट कहीं कहीं उसके अंदर ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो हिडन चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती है कार इंश्योरेंस के अंदर लाइक अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो क्या क्या चीजें कार इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है वो होती है नॉर्मल वेयर एंड टियर कुछ हल्का सा डेंट लग गया कुछ हो गया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ड्राइविंग अ कार विदाउट वैलिड लाइसेंस ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड लिकर लॉस डैमेज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस So these are the things which are not covered. जो भी चीजें आप कानून का उल्लंघन करके कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें कवर्ड नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम इट कार इंश्योरेंस के अंदर जो ये एड ऑन बेनिफिट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं एड ऑन बेनिफिट्स के बारे में लोगों को कईयों को पता नहीं होता है आज हम जनरली कार इंश्योरेंस लेने आ रहे हैं कार इंश्योरेंस कर देना अब कार इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं जिससे हमें आगे बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है लाइक सबसे पहला जीरो डेप्थ जीरो डेप्थ कवर के बारे में लोगों को आज अब के टाइम पे थोड़ी सी अवेयरनेस फिर भी आनी शुरू हो गई है बट इनिशियली दे पीपल आर नॉट अवेयर हमारे ये क्लब के मेंबर थे जतिन अरोड़ा जी उनकी कार थी पजार्ट जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको पता चला कि यार मेरी तो नॉर्मल एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया अपनी गाड़ी के ऊपर जिसमें से उनको 50% कवर कंपनी की तरफ से मिला एंड 2.5 लाख रुपए उनको भी जेब से भरना पड़ा अगर उनकी जीरो डेप्थ पॉलिसी होती तो उनकी पॉलिसी बंपर टू बंपर कवर करती और उनका सारा का सारा पैसा कंपनी के थ्रू आता पॉलिसी के अंदर ये जीरो डेप का कवर 2 से 3 हजार रुपए गाड़ी के हिसाब से आपका उसका प्राइस वैल्यूएशन लगता है तो अपार्ट फ्रॉम इट रिटर्न टू इनवॉइस बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में और कई लोग लेते भी नहीं है कि चल यार पैसे बढ़ जाएंगे मेरी कार इंश्योरेंस के लेकिन आज अगर किसी की नई गाड़ी आई है और वो
पांचवें दिन पे ही चोरी होगी लेट्स सपोज, तो कंपनी उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन काट के आपको अमाउंट देती है, लेकिन अगर आपका रिटर्न टू इनवॉइस उसके अंदर ऐड होगा तो आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा, आपको फुल इनवॉइस अमाउंट मिलेगा उसका। तो इसीलिए नई गाड़ियों के अंदर रिटर्न टू इनवॉइस लेना अच्छा रहता है। एनसीबी प्रोटेक्शन, एनसीबी प्रोटेक्शन हमारा जो होता है, कईयों को नहीं पता है आज के टाइम पे, हम यही सोचते हैं इस बार मैंने क्लेम ले लिया तो अगली बार मेरा एनसीबी जीरो हो जाएगा, लेकिन कंपनीज ने एक नया एड ऑन बेनिफिट निकाल दिया है फॉर एनसीबी प्रोटेक्शन, जिसके अंदर की हमारी चीजें कवर होती हैं अगर हमने क्लेम ले लिया तब भी हमें एनसीबी मिलेगा अगले साल के लिए। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे हमारा 25% का आपका एनसीबी एग्जिस्टिंगली होना चाहिए तभी आप 35% के टाइम पे उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट इमरजेंसी सर्विसेज की रिप्लेसमेंट, दीज आर द एड ऑन बेनिफिट्स जो कि हमें कार इंश्योरेंस मिलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मेडिक्लेम्स, मेडिक्लेम्स के लिए इसके अंदर मैंने दिखाया कि किस किस के अंदर कौन कौन सी एज पे हमें कितने कितने फ्लोटर्स रिक्वायर्ड हैं और कितने कितने फ्लोटर्स हमें जरूरी हैं। इनिशियली जब हम लोग 20 क्रॉस करते हैं, 25 के बाद में शादी करता है इंसान, तो उस टाइम पर एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेके इंसान अपना स्टार्ट करता है फॉर मेडिक्लेम्स। बट जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज आगे निकलती है, तो उन प्लान को इंडिविजुअली कन्वर्ट करना चाहिए हमको। The reason behind it, आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना आता है जब एक बार एक इंसान एडमिट होता है। तो अभी मेरे चाचा जी एडमिट हुए थे तो हमें पता है गंगाराम के अंदर उनका एक बार में 6 लाख रुपए का खर्चा आ गया। जैसे मैम ने भी एक बार में बताया कि सर्जरी कॉस्ट करती है 1 लाख रुपए का। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी एज में आके रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए सबके इंडिविजुअल प्लान होने चाहिए डॉक्टर के अलावा। ग्रुप मेडिक्लेम बेनिफिट्स, ये मेरी उस टाइम पे भी आस बोली रह गई थी ग्रुप मेडिक्लेम बेनिफिट्स के बारे में। अगर बेनिफिट्स हैं सिर्फ एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिट्स हैं ग्रुप मेडिक्लेम के अंदर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के दोनों का एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट बने रहना बहुत जरूरी होता है। एंड आप सब जिनकी इस पास में एम्प्लॉयज हैं, मिनिमम 10 लोग रिक्वायर्ड होते हैं, हम लोग ग्रुप मेडिक्लेम के अंदर उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेजर बेनिफिट है ग्रुप मेडिक्लेम का वो ये है कि अगर आप अपने 10 लोगों के लिए एक साथ ले रहे हैं तो उनकी प्री एग्जिस्टिंग डे 1 से कवर होती है। नॉर्मली आपकी मेडिक्लेम पॉलिसीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, इसमें फर्स्ट डे से आपकी सारी की सारी चीजें कवर्ड है। तो आपके एम्प्लॉइज का भी आपके साथ में एक ट्रस्ट बना रहता है कि मैं यहां पे काम कर रहा हूं तो मैं कवर्ड हूं, एटलीस्ट मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी इंश्योरेंस करवाई हुई है। नेक्स्ट प्लीज, नाउ दिस इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आज के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि मेरी मेडिक्लेम हो गई तो मतलब मेरा सब कुछ हो गया और उसके अलावा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा आज के टाइम पे मार्केट में बहुत टाइप की इंश्योरेंस है जो कि आती है और हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। जैसे अभी नितिन चरी जी ने बताया कि उनके मामा जी का ऑपरेशन हो रहा है, सब चीजें हुई है जिसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट, और वो जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग क्या रहती है। तो कैंसर इज अ क्रिटिकल इलनेस। आज के टाइम पे हम लोग अपनी मेडिक्लेम लेते हैं 5 लाख 10 लाख, लेकिन जब ये क्रिटिकल इलनेस होती है तो उस टाइम पर कवर्स जो है हमारे 20-20 लाख 25-25 लाख तक के निकलते हैं। इसके अंदर इंसान को क्रिटिकल इलनेस कोई बहुत महंगी नहीं होती है, मेरी एज के हिसाब से भी 4-5 हज़ार रुपये साल का होता है, जिसके अंदर अगर मुझे कल को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो मैं 20 लाख रुपये तक मुझे कंपनी कैश प्रोवाइड करती है, मैं अपने ट्रीटमेंट पे वो कैश पैसा खर्च सकता हूं, चाहे मैं ट्रीटमेंट पे खर्चूं चाहे मैं अपने किसी और काम के लिए खर्चूं। एंड योर एज इज एप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स। तो चांसेस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, तो ये हमारा एक ग्राफ है कि जिसके अंदर की आने वाले टाइम के अंदर की किस तरीके से हमारे चांसेस बढ़ रहे हैं क्रिटिकल इलनेस की तरफ। इंडिया के अंदर क्रिटिकल इलनेस के अंदर कितने कितने क्या क्या खर्चा आता है किस चीज के ऊपर, लंग डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, लिवर डिसीजेस, किडनी डिसीजेस, तो इनके ऊपर कितना कितना खर्चा रहता है। क्रिटिकल इलनेस प्लान वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, की क्रिटिकल इलनेस के अंदर हमारी क्या क्या चीजें कवर होती है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज होती है। क्रिटिकल इलनेस इज द बेनिफिट प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज द प्लान जिसके अंदर आपका जितना खर्चा हुआ है वो मिलेगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी, आज के टाइम पे हम सब रोड पे चल रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि कब किसके साथ में क्या चीज हो जाए, तो एक्सीडेंटल पॉलिसी इसीलिए रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेथ कवर्ड नहीं होती है, इसके अंदर चीजें और भी बहुत कवर्ड है, फीचर्स इसके बहुत है। जैसे कि अगर एक इंसान बेड पे भी बैठ जाएगा तो उसका खर्चा भी कंपनी देगी, अगर वो टेम्परेरी बैठा है या फिर हमेशा के लिए वो बेड पे रह गया या कोमा में चला गया तो उसका भी खर्चा कंपनी देगी। तो ये सारे की सारी भी चीजें कवर्ड है। नॉर्मल एक 10 लाख की इंश्योरेंस आपकी 1500 रुपए साल की आती है, आज हमें पता नहीं चलता है, पिक्चर देखने आते हैं 1500 से 2000 रुपए खर्च देते हैं, बट हम इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं।
These are my services जो कि मैं provide करता हूँ, retirement planning, family protection, child education, medical claims, car insurance, all type of general insurance and these are the things. Sai Insurance Solutions है, इनमें फिर से ये मेरा contact है. Apart from this चीजें बहुत सारी थी, मैं cover नहीं कर पाया. Travel insurance भी एक चीज है जो हम लोग cover करते हैं. Travel insurance आज हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने के time पे हमें peace of mind चाहिए. So, questions. आपको पूछने का टाइम नहीं है, इन्होंने अपना टाइम खत्म कर दिया, अब ये आपसे पूछ रहे हैं. क्वेश्चन है सच, मैं कोई नहीं, गिफ्ट के लिए मैं आज यहाँ पे एक अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस गिफ्ट करूंगा. एटीएम कर देना. तो चलिए वीरेंद्र साहब जी जिनका नाम निकाले उनके लिए करूंगा. ओ तो वीरेंद्र साहब जी के लिए 10 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस. ज्यादातर क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रेजेंटर होता है वो कोशिश करता है कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट की ज्ञान आज ही दे दूं, which is not right. You know, focus on one. You all must be selling so many products. GIC इतना बड़ा पोर्टफोलियो.